अभी लेक सिटी के अंदर घूम रहे हैं। काफी ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा। मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। तो गाइस, सूरज उगने वाला है, 6:15 हो गया। आज काफी जल्दी उठ गए हैं। आज इतने काम भी नहीं थे हमें, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा है यार, क्या करें। ऐसे तंबू थे। जब सरचू बॉर्डर क्रॉस करते हो ना तुम, तो ऐसे आपको ये यहाँ पे टेंट वगैरह, ऐसे टेंट वगैरह मिलते हैं जिनमें आप अपने रात निकाल सकते हो। वहाँ पे हिमाचल का बॉर्डर था, यहाँ पे ये लेह का। और आ जाएंगे सरचू टू ले। तो अभी काम चल रहा है चैन ल्यूब करने का, मैं चैन ल्यूब करवा देता हूँ यार। तो गाइस, टाइम हो गया है 7:22 और एक नया दिन, नई शुरुआत, नई उम्मीद के साथ भी आज तो ले पहुंच ही जाएंगे। देखिए, रास्ता काफी लंबा था। सरचू को अभी कर देते हैं टाटा बाय बाय, आप भी कर दीजिए। अभी ले यहाँ से है 250 किलोमीटर के आसपास। ठंड अच्छी कड़ाके वाली है भाई साहब, अल्टीमेट वाली ठंड है, अल्टीमेट वाली। बॉर्डर रोड और ग्रेजुएशन, हाय हाय हाय। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है वेदर, देखिए आप। टेम्परेचर मैंने नहीं नोट किया क्योंकि इंटरनेट चल ही नहीं रहा, तो कहाँ से नोट करूँ। ओहो, आई होप कि हम सही रास्ते पे होंगे। काफ़ी ये वाला रोड है रेतीला, ये तो भैया खूब हमारे राजस्थान और हरियाणा में घना ही रहता है, नो प्रॉब्लम। गाइस, रोड तो अभी आया नहीं है पक्का, यानी कि हल्का फुल्का कच्चा ही चल रहा है। तो यार, अभी जो रोड चल रही है कंक्रीट वाली है, इधर की साइड नदी है और ये काफ़ी लंबी है, काफ़ी साफ पानी है। ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे वैसे वैसे साफ पानी हमें मिलता रहेगा। और आगे हमारे फौजी भाई चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पैच खराब है यार, इंटरनेट पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं यार। ये तो काफ़ी लंबा ऑफ रोड है, पता नहीं, वो देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी लंबा ऑफ रोड है। थैंक यू सर साइड देने के लिए। चलते चलते हमें दिखा एक और पुल, जो कहने की जरूरत ही नहीं है, जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या है। और इन पुल पे भी एक एक करके ही ट्रक जाता है और हमारी भी बारी आई जाएगी। कभी ऐसे हो धड़म गिर जाए। A few moments later. तो यार, अभी पहाड़ी के बिल्कुल नीचे चल रहे हैं। रोड ठीक ठाक है, बढ़िया है, ये भी नहीं कहेंगे 101% बढ़िया है, पर हाँ 100 में से 70% ठीक है। 10 बज गए हैं और हमें 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में से अभी तक 60-65 किलोमीटर का था वो। गाइस, अभी मैं पांग के पीछे लगभग 8 या 7 किलोमीटर होगा। नज़ारा देख सकते हो, अल्टीमेट नज़ारा है, पर हाथों की वाट लग गई है। पैर देखिए, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वाह भाई वाह, एक और ज़बरदस्त व्यू, अल्टीमेट वाला, मज़े आ गए। वाह भाई वाह, मौज कर दी मौज।
अभी कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अच्छा सा, कहीं रोक के बाइक तो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइस पांग है हम और चाय का आनंद ले रहे हैं। चीयर्स। आय 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 आय, मजा आ गया इतनी ठंड में चाय। अभी एक परांठा बनाएंगे और मैगी एंजॉय करेंगे उसे। परांठा 11:18 हो गए हैं और धूप भी निकल चुकी है और हम भी चार्ज हो रहे हैं। इसके बाद में सफ़र हमारा रह गया 3-3.5-4 घंटे का। 4 भी लग सकते हैं, 3.5 भी लग सकते हैं और बीच में एक चेक पोस्ट आएगा, उससे हमें अपने आप को चेक करवा के गुजरना है। तो जल्द मिलते हैं बाइक पे अब आपको। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। कुछ दिक्कत थी, अभी रिस्टार्ट किया है, पिछली ऑडियोज में आवाज़ नहीं आ रही थी। मौसम देखिए कितना गंदा हो चुका है भाई सब, इतनी हाइट पे है पूछिए मत, और खूब ज़्यादा ठंड लग रही है। और यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर अभी ड्रिवन और करना है हमें पोस्ट तक, चेक पोस्ट तक, उसके बाद में 50 किलोमीटर अलग रह जाएगा। तो गाइस लेग चेक पोस्ट हमने क्लियर कर दी है और हमारा अभी स्वागत होने वाला है फूलों से। ले 49 किलोमीटर आ गया हूं मैं। अभी पीछे से मैंने कैमरा क्यों बंद कर दिया, अभी आ रही थी बारिश और मैं आपको जब मेरी चेक पोस्ट के अंदर एंट्री हुई तो वो मैं दिखा नहीं पाया। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं क्यों नहीं दिखा पाया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अभी देख लीजिए गोप्रो यार गीला हो गया तो दिक्कत, हम तो गीले हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, अगर कैमरा ख़राब हो गया तो दिक्कत, मोबाइल ख़राब हो गया तो दिक्कत, तो दिक्कत ही दिक्कत थी, इसलिए हमने कर दिया बंद। तो अब मिलता हूँ मैं आपको एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जिसने फोटोग्राफ्स नहीं देखे हैं ले लद्दाख के। तो ले के अंदर एंट्री हो गई है पर अभी जा रहे हैं ले, यानी कि अरे वाह क्या नज़ारे हैं लद्दाख के। बहुत देर बाद भी हरियाली देखने को मिली है गाइस, ये देखिए पेड़ लगे हुए, वाह भाई वाह, मौज आ गई मौज, नज़ारा है। इधर देखिए, इधर धूप, उधर छांव, उधर मौसम खराब, मज़े आ गए भाई साहब मज़े। वाह भाई वाह, क्या अल्टीमेट व्यू है यार, मुझे तो भगवान जी की समझ नहीं आ रही है, ले पहुंचने से पहले ही सब कुछ दिखा दोगे क्या, वाह भाई वाह, अल्टीमेट व्यू, मौज आ गई। एक रोड ऐसी है पुश करने का ऑटोमेटिक दिल कर रहा है, पर यहाँ के मोड़ तीखे हैं। तो गाइस पहले हमें रूम नहीं मिल रहा था, जब मिल गया तो वो मिला है एयरपोर्ट के पास में, तो बढ़िया है, देखिए क्या है, अच्छा ही है।
कोई दिक्कत नहीं है। और हम अभी लेक सिटी के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, लेक सिटी काफी अच्छा है। हूँ मैं ले के अंदर और अपने होटल के अंदर, होटल का रूम थोड़ा सा चेकआउट कर लिए। आते सर बेचारे के साथ क्या जबरदस्ती हुई है बता नहीं पाएगा। और ये इधर वॉशरूम, ठीक है, काफी रीजनेबल प्राइस में लिया है। और बाहर का जो व्यू है दिखाऊं तो आपको कि अल्टीमेट है भाई साहब, सोने पे सुहागा है। एक मिनट, ये लो बाहर का व्यू देखिए, अल्टीमेट है भाई साहब। एयरपोर्ट के बिल्कुल जस्ट सामने है एयरपोर्ट के, काफी मजा आ रहा है अंदर। पूछो मत, सब चीजें हैं जो चीजें चाहिए। और कितने रुपए का है? 800 रुपए में लिया तुम्हारे भाई ने, बजट ट्रैवलर इसे कहते हैं। अभी फिल कर दूं मैं इनका फॉर्म वगैरह और फिर आपसे मिलता हूं मैं। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the